हेलीकॉप्टर का सफर है और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दौरे कर रहे हैं, उन्हीं से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है धामी जी आपका आज तक में। आज कहाँ का दौरा है आपका? धन्यवाद। आज मैं सीमांत क्षेत्र धारचूला, रानीखेत और रामनगर के दौरे पर हूँ और वहाँ पर सभी अपने कार्यकर्ताओं से मिलूँगा, वहाँ की जनता से संवाद करूँगा और पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिए डोर टू डोर संपर्क भी करूँगा। समय आपको बहुत कम मिला, कितने दौरे अभी तक कर चुके हैं और आगे का क्या प्लान है? वैसे तो पूरे उत्तराखंड में लगभग मैं हर विधानसभा क्षेत्र, हर जिले और अनेकों ऐसे स्थान हैं, छोटे स्थान, बड़े स्थान, सभी स्थानों पर जा चुका हूं। लेकिन चुनाव की दृष्टि से भी मैं जब से चुनाव शुरू हुआ है लगभग 30 विधानसभा क्षेत्रों में अभी तक जा चुका हूं और बचे हुए दिनों में मेरा टारगेट है कि सभी विधानसभाओं में जाऊँ। धामी साहब, कितनी छुट्टियाँ अभी तक ली हैं आपने जब से आपने चार्ज संभाला है? नहीं, छुट्टी कोई नहीं ली है, कोई छुट्टी नहीं ली है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी कोई छुट्टी नहीं ली है, उन्हीं का हम लोग अनुसरण करते हैं। एक कार्य संस्कृति जो उन्होंने पूरे देश के अंदर आज लागू हुई है, या मैं कहूँ कि शुरू हुई है, उस वो हमारे लिए एक प्रेरणा है। बिना छुट्टी के जनसेवा में लगे हैं और कर रहे हैं। लगातार दौरे हैं, ऐसे में संभव हो पाता बिना आराम किए हुए? नहीं, जितना समय मिलता है करते हैं, लेकिन चूंकि काम पहले है और कोशिश करते हैं कि जो पार्टी ने काम दिया है और जनता के लिए जो उत्तरदायित्व है उसको पूरा करें, आराम प्राथमिकता नहीं है। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अगर बात करें तो अभी तक कोई छुट्टी तो नहीं ली है उन्होंने, लगातार दौरे जारी हैं और ऐसे में उनका लक्ष्य सिर्फ इतना है कि हर विधानसभा क्षेत्र तक पहुँचें ताकि नरेंद्र मोदी के और खुद अपनी सरकार के कामों को वो गिना सकें और इलेक्शन में इसका फ़ायदा भाजपा को भी मिले और आने वाले वक्त में उस जनता को भी मिले जो भाजपा को वोट करेगी। वक्त की पाबंदी है, चुनाव बेहद करीब है, ऐसे में वक्त निकालने के लिए सिर्फ एक ही साधन बचता है कि जब आप कहीं जाते हैं तो वहां आप अपने काम निपटा सकें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वैसा ही कर रहे हैं। वक्त ना होने की वजह से अब वो अपने सारे काम हेलीकॉप्टर में ही कर रहे हैं ताकि वक्त बच सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा में पहुंच सकें, क्योंकि मुकाबला इस बार बेहद कड़ा है, विपक्ष भी बेहद मजबूत है। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहते कि ज़रा से भी कमी रह जाए। ऐसे में काम हेलीकॉप्टर में और उसके बाद ज़मीन पर उतरने के बाद सिर्फ और सिर्फ लोगों से मिल रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के अनुसार सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों से मुलाकात नहीं कर सकते एक साथ कई लोगों से। ऐसे में चुनाव आयोग का पालन करना भी बेहद ज़रूरी है, काम करना भी बेहद ज़रूरी है, विपक्ष पर निशाना भी साधना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार निशाने साधने पर लगा हुआ है। दो प्लेयर इस समय मौजूद हैं भाजपा के सामने, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, उनसे पार पाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धारचूला पहुंचे हैं। ये अगर आप दूसरे हिस्से की तरफ अगर आप देखें, मैं प्रवेश से बोलूँगा कि जरा दूसरा हिस्सा दिखाएं, वो नेपाल का हिस्सा लगता है, रोटी बेटी का संबंध माना जाता है। और अगर यहाँ देखें, इन तंग गलियों से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुँचे थे। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक में। यहाँ किससे मिलने के लिए आप पहुँचे हैं? यहाँ की जनता से मिलने आया हूँ, उनका सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ और मैं अस्वस्थ हूँ क्योंकि मैं इन्हीं गलियों से, इन्हीं पहाड़ों से, इन्हीं हमारे नौलों से, धारों से, इन छो से, यहाँ से निकलकर इस धरती ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और आज मैं मुख्य सेवक के रूप में, मेरी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उस पर काम कर रहा हूँ। यहीं का आशीर्वाद है, यही आशीर्वाद आगे आने वाले समय में भी हमारे पूरे उत्तराखंड राज्य के लिए भी होगा और हमारा उत्तराखंड राज्य जो हमने कल्पना की है 2025 में हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य होगा हर क्षेत्र में।
इन तंग गलियों से देहरादून के मुख्य आवास तक पहुंचे हैं आप, क्या फर्क है? देखिए, मेरे को तो अपने अंदर कोई फर्क नहीं लगता है, बस इतना ही है कि अब पहले जैसा नहीं रहा, कि क्योंकि अब एक एक मिनट का, एक एक क्षण का सदुपयोग करना है, अपने राज्य के लिए लगाना है, प्रदेश की उन्नति के लिए लगाना है, विकास के लिए लगाना है, हर पल और हर क्षण का उपयोग करना है, यही अंतर है। यहाँ पहुँचे हैं आप, ये किसका घर है, कौन है? ये हमारे प्रत्याशी हैं धन सिंह धामी, और ये किराए के मकान में रहते हैं। आज मेरा मन हुआ कि चूंकि इनको प्रत्याशी बनाया है हमारी पार्टी ने, तो मैं आज ये देखूँ कि ये रहते कैसे हैं। तो आप स्वयं देख रहे होंगे कि ये किराए के मकान में यहाँ रहते हैं, बड़ा साधारण जीवन है, और ये किसी पार्टी में संभव नहीं होता है कि एक गली देहात और बहुत सामान्य स्थितियों में और परिस्थितियों में रहने वाले को भी भाजपा कोई भी काम दे देती है। जैसे मैं एक सैनिक का बेटा हूँ, मैं भी यहीं से निकला हूँ, मुझे मुख्य सेवक की जिम्मेदारी दे दी है। धन सिंह भाई को अभी यहाँ से सेवा का अवसर प्रदान किया है पार्टी ने, यहाँ इस क्षेत्र की जनता इनको आशीर्वाद देगी, तो यहाँ बहुत सारे काम होने हैं इस क्षेत्र के, उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। धामी धामी के पास पहुँचे हैं आप, थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। कब से आप इस पार्टी में काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर देख कर मेरी तरफ बताइए। 20-25 साल से मैं इस पार्टी में काम कर रहा हूँ, और मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक से मैं जुड़ा हूँ शुरुआती दौर में, बाद में भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही बना। मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और आज मैं आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, माननीय सीएम साहब का, कि मुझ जैसे गरीब के बच्चे को आज विधायक का प्रत्याशी बनाया। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, अन्य दलों में ये संभव नहीं है। क्या फीलिंग्स हैं, धामी धामी के पास पहुंच गए हैं? धामी धामी ठीक है, बड़े भाई साहब हैं, सीएम साहब हैं, आपका मार्गदर्शन पहले से मुझे मिलता आया है, आज भी मुझे आपका मार्गदर्शन, आपका प्रेम मुझे मिला है, हमारे माननीय सांसद जी का प्रेम, बड़े भाई के रूप में आपका भी आशीर्वाद मुझे समय समय में मिलते रहता है। और फर्क क्या है, विधानसभा में धामी और प्रदेश में धामी, इस प्रकार से ऐसा है। क्या लग रहा है, यहाँ की जनता प्यार देगी आपको? प्यार दे रही है, देगी नहीं, प्यार दे रही है, बहुत अपार प्यार दे रही है। उन्हीं के बीच का हूँ, उसी समाज का हूँ, और इसलिए गरीब की भाषा, गरीब का दर्द गरीब ही जान सकता है। इस दर्द को जो आज तक इस विधानसभा में 10 साल तक जो जनता झेलती आई है, अब उससे मुक्ति चाह रही है। चुनौती भी बहुत है यहाँ अगर देखा जाए, क्योंकि सुदूर क्षेत्र है ये, और ऐसे में यहाँ पर बहुत, मतलब बॉर्डर का एरिया है, ऐसे में परेशानियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या आपने प्लान किया हुआ है, और क्या आगे सोचा है कि अगर यहाँ की जनता आपको प्यार देती है और जहाँ आपका मुकाम है वहाँ पहुँचाने की कोशिश करती है या पहुँचा देती है, तो क्या करेंगे इस क्षेत्र के लिए? जिन क्षेत्रों में हमारे स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, महत्वपूर्ण उन क्षेत्रों में हम स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। माननीय सीएम साहब के नेतृत्व में जब सीएम साहब के पास हम गए, तो कई ऐसी सड़कें हैं जो माननीय सीएम साहब के द्वारा स्वीकृत अभी हुई हैं, स्वास्थ्य की सेवा हैं, आपके यातायात सड़क का मामला है, और आज तक जो विपक्ष ने पूरी जनता के साथ खिलवाड़ किया, उनकी भावना के साथ कुठाराघात किया, मिर्गे बिहार के नाम पे एक ठगा, 111 गांव हमने मिर्गे बिहार से मुक्त कर दी करके, लेकिन आज भी हमारी बरम कनार की सड़क है, न्यू शोभला सुहाग की सड़क है, बहुत इस प्रकार की सड़कें हैं जो आज भी लंबित पड़ी हुई है। माननीय सीएम साहब के प्रयास से काफ़ी हद तक सड़कें हमारी अभी गतिमान हो रही हैं। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत साफ है, सीएम पुष्कर सिंह धामी इस समय धारचूला पहुंचे हैं, उन्हीं का क्षेत्र है, धामी धामी के पास पहुंचे हैं। जिस प्रत्याशी से मिलने के लिए धामी आए हैं, वो इसी मकान में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं। सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर कहना है कि वो एक ऐसे प्रत्याशी से मिलने के लिए आए हैं जो इस क्षेत्र का विकास करना चाहता है, और यहाँ की जनता उनको आशीर्वाद भी देगी। ये तंग गलियाँ देखिए, इन तंग गलियों में आप कहाँ आए, किससे मिलने के लिए आए हैं? मैं भी इन्हीं तंग गलियों से निकला हूँ, और ये तंग गलियाँ हमारे जीवन की शुरुआत से हैं, और यहाँ पर हमारे प्रत्याशी हैं धन सिंह धामी, वो यहाँ किराए के मकान में रहते हैं, आज हम लोग उनके घर पर आए हैं और यहाँ से निकल रहे हैं।
मकान तो हमने उनका देखा, एक कमरे के मकान में रह रहे हैं वो। निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी आगे लाया जाता है, उसको भी मौका दिया जाता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने धन सिंह धामी को मौका दिया है इस क्षेत्र की सेवा करने के लिए और इस तंग गलियों को अच्छा करने के लिए। सीएम साहब, इन तंग गलियों ने आपको देहरादून तक पहुंचा दिया है, यानी प्रदेश की कमान आपको सौंप दी है, आप प्रदेश के लिए क्या करने वाले हैं? देखिए, आने वाले समय में हम इन सभी, जिस प्रकार की हमारी गलियां हैं, जिस प्रकार के हमारे रास्ते हैं, उन सभी को ठीक करना है। आने वाले समय में आप जब दिलीप भाई दोबारा आएंगे, तो जब आप कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा सड़क मार्ग से करेंगे, तब आपको दिखाई देगा कि हमारे मन में क्या, हम क्या करना चाहते हैं। बहुत साफ है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन तंग गलियों को मानसरोवर यात्रा से जोड़ते हुए कह दिया है कि अगर भविष्य में कभी कोई आएगा तो वो मानसरोवर तक की यात्रा भी ऐसे ही पूरी करेगा। देहरादून तक का सफर इन तंग गलियों ने करवाया है, ऊपर प्रदेश को विश्व पटल पर ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है। आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी चुनावी समर जारी है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आज निधन के बाद में यहाँ धारचूला में एक मौन रखा गया है और 2 मिनट का मौन है। यहाँ एक रैली का आयोजन किया गया था, लेकिन चूंकि लता मंगेशकर एक बहुत बड़ी गायिका थी देश की और भारत रत्न से सम्मानित थी, ऐसे में उनकी याद में यहाँ पर एक शोक सभा भी रखी गई, 2 मिनट का मौन भी रखा गया है। जिस सीट पर आज हम यहाँ मौजूद हैं उसका नाम है धारचूला। यहाँ पर कांग्रेस के हरीश धामी हमेशा से विधायक रहते आए हैं, लेकिन इस बार भाजपा ने धन सिंह धामी को मैदान में खड़ा किया है भाजपा के चिन्ह के साथ में। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या एक धामी दूसरे धामी का किला फतेह कर पाएंगे? आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पहुंचे हैं डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए, लेकिन सवाल सिर्फ एक ही उठता है कि एक धामी दूसरे धामी के खिलाफ खड़े हुए हैं। ऐसे में भाजपा के लिए चुनौती बड़ी है, क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस का आधिपत्य बहुत पहले से होता आया है। ऐसे में भाजपा के लिए चुनौती भी है और यही चुनौती पुष्कर सिंह धामी के लिए भी है। पहले तो क्षेत्र के बारे में जानना बेहद जरूरी है। नेपाल से लगा हुआ क्षेत्र है धारचूला। अगर हम नेपाल के क्षेत्र की बात करें तो उसे धारचूला बोला जाता है। इस क्षेत्र को जो पिथौरागढ़ जिले में आता है उसको धारचूला के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर नेपाल और उत्तराखंड के बीच में रोटी और बेटी का संबंध भी माना जाता है। यहाँ अगर इस भीड़ को देखें, यहाँ पर भाजपा ने धन सिंह धामी को अपना कैंडिडेट चुना है, यहाँ के लोगों ने उनके लिए ये सभा रखी है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जो कद्दावर नेता हैं हरीश धामी हैं, अगर ये भीड़ वोट में तब्दील होती है तो कहीं ना कहीं हरीश धामी के लिए मुश्किल खड़ी होगी। लेकिन सवाल यही उठता है, हरीश धामी पिछले काफी समय से इस क्षेत्र के विधायक रहे हैं, तो ऐसे में धन सिंह धामी क्या उस किले को फतेह कर पाएंगे जो हरीश धामी ने बनाया है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं? अगर इस भीड़ की तरफ देखें, ये एक अच्छी खासी भीड़ है, लेकिन इस भीड़ को वोट में तब्दील करने के लिए मेहनत की भी जरूरत है, क्योंकि आम तौर पर भीड़ वोट में तब्दील हो नहीं पाती। और यही वजह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुंचे हैं, इसी जिले से संबंध रखते हैं। अगर यहाँ आप देखें तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुंचे हैं और संबोधित करेंगे अभी थोड़ी देर में इस भीड़ को जो बीजेपी की है। ऐसे में आने वाले वक्त में, क्योंकि 14 फरवरी को वोट डलने हैं और वोट डलने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिरकार किस धामी ने जीत दर्ज की है। एक तरफ पुष्कर धामी जिन्होंने अपने प्रतिनिधि के तौर पर, यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर धन सिंह
रावत को, धन सिंह धामी को यहाँ पर चुना है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने हरीश धामी को यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाकर उतारा है। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, धारचूला, आज तक।